ये लो मैंगो खाने। इतनी वो नहीं है कि फोन दूं मैं आप तुम्हें, ये लो सोहा खाओ। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब के? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं हूँ। आज मेरे बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है। बस अभी मैं पार्लर से आई हूँ और बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, तो अभी चेंज वेंज किया है बस फ्रेश होकर। मैंने सोचा आज मैं खिचड़ी वगैरह बना लूँ घर में, और जो मैंने आपको दिखाए थे बटेर वो फ्रीज़ किए हुए थे उसको निकाला, वो फ्राई करूँगी खिचड़ी के साथ। और कल मैं अम्मी के जाऊंगी तो इसलिए मैंने सोचा, तबीयत तो मेरी भी सर में इतना दर्द हो रहा था, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि व्लॉग स्टार्ट करूं, लेकिन मैंने सोचा मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूं। तो अभी बस जो है ना, मटन भी मैंने निकाल के रखा है फ्रिज से, क्योंकि कल मटन लेकर जाऊँगी पार्लर में। बाकी आपके साथ शेयर करती हूँ रूटीन कल तक की। और कल दादी के घर जाऊंगी मैं एक दो दिन के लिए रुकने के लिए, क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे कब से बुला रही है। हाँ जी, मैंने मटन चढ़ा दिया है और यहाँ बन रही है मेरी खिचड़ी। और अभी जो बटेर हैं वो मैं करूँगी। मैंने खिचड़ी में टमाटर भी डाले हैं, मिर्ची भी डाली हैं थोड़ी सी ना, ताकि ये थोड़ी सी स्पाइसी सी हो जाए, ठीक है। और ये मैंने बटेर निकाल के रखे हैं, अभी इसको स्टीम करूँगी, बहुत बर्फ़ में हो रहा है अभी ये। मोबाइल चार्ज पे लगाने जा रही हूँ, आज तबीयत बहुत डाउन हो रही है यार, सर फट रहा है, कमर में भी चिकाई भी है। तो यहाँ भी गिरा दिया ये। खाना पीना हो गया, यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ मटन का सालन। मटन तो मैंने बॉईल कर लिया है, पता नहीं क्यों आज गैस इतनी हल्की स्लो आ रही है, और ये मुझे इसलिए जल्दी से बनाना है अभी ही, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी जाना है पार्लर, मुझे बहुत काम है सुबह, तो इसलिए जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ। मेरे सर में पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत शदीद दर्द, मुझसे खाना भी नहीं खाया गया ठीक से आज। चलें जी, बस ये बना रही हूँ, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। इधर आओ ना, क्या हुआ? क्या है ये गिफ्ट है मेरे लिए? बोल कर हाँ पीगम, इतना प्यारा मैंने आपके लिए लिखा, क्या लिखा है? मेरी खूबसूरत बीवी के लिए मेरे लिए। माय गॉड आकिब, नहीं करो यार। हाँ बेगम, मैंने आपके लिए लिया इतना प्यारा। सीरियसली? ये कब लेकर आए हो? बेगम ने लिया, मैं क्यों बताऊँ आपको। थैंक यू सो मच जी। तो ये गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है जो आकिब ने दिया है। दिस इज़ नॉट गोल्ड, दिस इज़ आर्टिफिशियल, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स बड़े ही मायने रखते हैं अगर कोई अपना प्यार से दे तो। ये जो है इससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये जो जो लिखा हुआ है इस पर, आप भी पढ़िएगा। तो इसकी एक क्वालिटी और है कि इस तरीके से भी पहन सकते हैं, और ये कैसे, ये ऐसे भी बंद हो जाता है, एक मिनट, हम इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे ये ऐसे भी हो जाता है, ये देखिए, और ये वैसे भी हो जाता है जो मैं दिखा रही थी आपको। वाओ वाओ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बोलो, यू आर मगर मैच। देखिए जी, चले जी, गुड नाइट फ्रेंड्स, सुबह मिलते हैं अब आपसे जी। गुड मॉर्निंग, यहाँ मेरा सालन रेडी हो गया था और मैंने अपना पैक कर लिया और याकिब के लिए छोड़ दिया है। ये रहा मेरा पैक हुआ सालन, और आज मैं वहीं से, वहीं पार्लर से ही, मैंने आपको बताया था मैं दादी के घर रुकने जाऊँगी, बस उसी की तैयारी है। खाना पीना दिखाया नहीं, सब खा पी लिया, फ्री हो गए फिर। और अभी हम हो जाएंगे बहुत, और गर्मी बहुत लग रही है, लाइट नहीं थी, जनरेटर चला रही है। ये मेरे व्लॉग में आएगा, ये मेरे व्लॉग में आएगा। गेट ही नहीं खोल रहे भाई, ये इज्जत है कि गेट नहीं। अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई मटन सालन, ये है कबाब, ये है पुलाव, आज है सब कुछ। दादी इतना कुछ है आज। चलो भाई आ जाओ, इकरा को देखो अपनी इंस्टा की स्टोरी बनाने में लगी है। आ जाए भाई सब, आ जाए। रायता भी है। चलो जी मीठा मीठा बाद में, मीठा बाद में रखोगे? ओके आ जाओ। आ गई है ये खा लिया। हम यहाँ पर छत पर बैठे हुए और यहाँ ये भी आ गए। सब 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 बड़ा मजा आ रहा है छत पर। वैसे है तो हम भाई फिर लेट गई। उठो ना, हलवा पूरी का नाश्ता। ये आ गई है हलवा पूरी हमारी। चलो भाई इकरा, हलवा पूरी का नाश्ता आ गया दादी के घर में। और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। चलो भाई आ जाओ, जिस जिसने खाना है आ जाओ, आ जाओ। चले जी नाश्ता वगैरह कर लिया है और मैं अपना ब्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ। ये थी मेरी दो दिन की रूटीन और अभी मैं दादी के घर ही हूँ। अभी हम जाएंगे यहाँ से पार्लर, फिर रात को यहीं आ जाऊँगी, रात को भी यहीं रुकूँगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और ये अम्मी ने मुक्का मारा है। चले जी आई होप कि आप सबको ये मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सांस फूल गई, ऊपर चढ़ कर आई हूँ। और आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया है। और चलें जी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।